हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त चीज़ के बारे में बताने जा रही हूं जो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को कम कर सकता है, आपकी बुद्धि की तीव्रता को कई गुना बढ़ा सकता है। एक हफ्ते के लिए रोजाना आप इसे पी लीजिए। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है जिसके कारण आपको चलने फिरने में मुश्किल होती है, सुबह के टाइम आपको अपनी एड़ियों में या अंगूठे में चुभन फील होती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं, या फिर आपको दिल से संबंधित कोई भी समस्या है, तो इस चीज का इस्तेमाल करना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में एसिडिटी दो तरह की होती है। एक तो होती है खून की एसिडिटी और एक होती है पेट या फिर सीने की एसिडिटी। जो खून की एसिडिटी होती है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि ये दिल से संबंधित समस्याएं हमें देती है, हार्ट अटैक का कारण बनती है। तो जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो खून की एसिडिटी प्लस पेट या सीने की एसिडिटी, दोनों तरह की एसिडिटी को दूर करती है। वो चीज़ एल्कलाइन नेचर की है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं है तो भी आपको इसका सेवन ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो भी आपने इसका सेवन ज़रूर करना है। अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज है तो भी आपको इसका सेवन ज़रूर करना है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब एसिडिटी बढ़ जाती है, जब हमारे खून के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, आर्टरीज के अंदर प्लाक जमा हो जाता है, तो ये नसों की ब्लॉकेज को भी दूर करती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स कम है, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक हो चुकी है, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है, तो भी आपको इसका सेवन ज़रूर करना है। अगर आप 25 की उम्र में 35 या 40 जैसे दिख रहे हैं, आपके फेस पर ग्लो नहीं है, तो भी आपको इसका सेवन रोजाना करना है। अगर आपकी आई साइड बहुत वीक है और रोजाना वीक ही हो रही है, आपको दिखना धुंधला पड़ रहा है, तो भी आपको इसका सेवन जरूर करना है। ये चीज कौन सी है, कितनी मात्रा में लेनी है, आपको एक चीज तो पता ही होगी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वात पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ जाए तो 143 तरह के रोग हो जाते हैं। तो जो तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है, चाहे इसका नेचर क्षारीय है, चाहे इसका नेचर एल्कलाइन है, फिर भी ये वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर सकता है। लेकिन सिर्फ इसे लेने का तरीका अलग अलग होना चाहिए, तो वो चीज है सफेद पेठा। सफेद पेठे के इतने गुण हैं, आपने सुना होगा कि लौकी का जूस पीने के काफी फायदे हैं, वो हमारे खून की एसिडिटी को दूर कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल को दूर कर सकता है। लेकिन सफेद पेठे का अगर जूस एक हफ्ता रोजाना आपने बासी मुंह यानी कि सुबह आपने निहार मुंह पी लिया तो इतने जबरदस्त फायदे मिलेंगे कि आपकी मेडिसिन यानी कि दवाइयां भी छूट जाएंगी। आपने इसे कैसे बनाना है, सफेद पेठा जो होता है बाहर से हरा होता है, अंदर से सफेद होता है, इसका आप छिलका उतार दीजिए, इसके बीज अलग कर दीजिए, इसके बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसको मिक्सी के जार में डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए और किसी भी कॉटन के कपड़े से इसको छान कर इसका जूस तैयार कर लीजिए। सुबह खाली पेट पीना है। इस जूस की जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कूल है यानी ठंडी है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इसका सेवन ज़रूर करें, उनकी दवाई छूट जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो ये ड्रिंक आपको रोजाना खाली पेट ज़रूर पीना है। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि मैंने बहुत चीज़ें इस्तेमाल कर ली, बहुत चीज़ें फेस पर लगा ली और बहुत चीज़ें खा ली, लेकिन मेरे फेस पर आने वाले पिंपल्स और उनके दाग धब्बे दूर नहीं हो रहे, तो आप एक हफ्ते के लिए सफ़ेद पेठे का जूस पी कर देखिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत वीक पड़ रहा है और आपको खाना अच्छे से हजम नहीं हो रहा, तो भी आपको इसका सेवन रोजाना खाली पेट ज़रूर करना है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर पड़ रही हैं तो भी आपको इसका सेवन रोज़ाना ज़रूर करना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपकी पेनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रही, पेनक्रियाज इंसुलिन को पैदा करने में सक्षम नहीं हो रही, तो आपको रोज़ाना एक हफ्ते के लिए इसका सेवन ज़रूर करना है। आपको खुद पता लगेगा कि आपकी बॉडी इंसुलिन को ज़्यादा पैदा कर पा रही है। इसके बाद आपने इसका सेवन 3 महीने के लिए रेगुलर करना है, जो भी डायबिटिक पेशेंट है। इसके अलावा एक चीज़ बता दूं कि अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं तो भी आपने इसका सेवन ज़रूर करना है। सिर्फ लेने का तरीका अलग है कि अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, अगर आपको साइनस की समस्या है यानी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, अगर आपकी बॉडी कफ प्रकृति की है यानी कि अगर आपको खांसी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये जूस जो है ठंडे नेचर का है, तो इसीलिए आपने इस जूस के अंदर 2 चुटकी काली मिर्च मिक्स करके ही इसका सेवन करना है, ताकि जो इसकी ठंडक
वाली प्रॉपर्टी है वो दूर हो जाए। इसके अलावा इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, अगर आपने अपने वेट को कम करना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आपने इसका सेवन जरूर करना है। तो ये थी बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हड्डियाँ कमजोर हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आपको इस जूस का सेवन एक हफ्ते के लिए रोजाना सुबह खाली पेट जरूर करना है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते, आपके कोई ऐसे सवाल हैं, तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं और मेरी मेल आईडी है divyadhawanhealthtips@gmail.com और आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।